हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से और पूरी तरीके से सही से हो जाए। तो फ्रेंड्स, पैरों को देखकर भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने वाला बेबी बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। पैरों से भी लक्षण दिख जाते हैं कि आपका क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, समान होते हैं, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन कुछ महिलाओं को ये क्यूरियोसिटी और उत्सुकता रहती है कि होने वाला बेबी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। फ्रेंड्स, जब मैंने बेटा कंसीव किया था तो मेरे पैरों में कुछ अलग अलग लक्षण आ गए थे और बेटी होने पे कुछ अलग लक्षण आ गए थे और भी महिलाओं के अंदर ये लक्षण देखे गए थे। तो आज मैं आपसे मेरे और दूसरी महिलाओं के पैरों के लक्षण शेयर करने वाली हूँ। बुज़ुर्ग महिलाएं भी इस लक्षण को सही मानती हैं। देखिए दोस्त, हमारा उद्देश्य लड़की लड़के में भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जेंडर टेस्ट कराना कानूनी अपराध है डॉक्टर द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। और आगे में मैं प्रेगनेंसी के ऊपर नॉलेज और अच्छे अच्छे टिप्स लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, बेटा होने के बाद हमारे अंदर पैरों पे क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा होने वाला बेबी बेबी बॉय है। सबसे पहला, पैर भारी हो जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 मंथ तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे 3 मंथ के ऊपर हमारा वेट जाता है या फिर हमारे राइट साइड में, हमारे कंधों पे और पेट साइड में और सीधे पैरों में अगर ज़्यादा भारीपन रहता है, अगर आप लेटते हैं, चलने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, काम करने में भी आपके दर्द होता है और काफ़ी हैवीपन लगता है, तो ये भी एक लक्षण माना गया है कि आपके होने वाला बेबी बेबी बॉय है। अगला लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या दूसरी महिला प्रेग्नेंट है तो आप उनकी पैर की एड़ी को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पैर की एड़ी उनकी रेड हो रही है, बिल्कुल चिकनी और बिल्कुल साफ पैर हो रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण माना गया है। काफ़ी महिलाओं में ये भी सिम्टम्स काफ़ी हद तक सही बैठा है कि होने वाला बेबी बेबी बॉय है। आप पैरों की एड़ी को भी देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने वाला बेबी बेबी बॉय है। और मैं आपको, प्रेगनेंसी में बेटा कंसीव किया है तो आपके पैरों की नस चढ़ जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आपके 5 मंथ कंप्लीट होते हैं, 6 मंथ स्टार्ट होता है, तो आपके सीधे पैर की नस चढ़ जाएगी और आपके काफ़ी उठने में भी दिक्कत होगी और बेड से उठने में भी, और लेट के उठेंगे तो भी आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो काफ़ी सिम्टम्स ये भी सही माना गया है कि जिनके नस चढ़ जाती है पैरों की, तो उनके बेबी बॉय होने वाला है और मेरे साथ भी ये लक्षण सही बैठा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगला लक्षण बताने वाली हूँ, पैरों का पसीज जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं में ये भी सिम्टम्स देखा गया है कि वो स्लीपर पहनती हैं या कुछ भी पहनती हैं तो उनके पैर काफ़ी पसीज जाते हैं, और काफ़ी हद तक ये सही भी लक्षण बैठा है। मेरे साथ भी यही बैठा है कि पैरों का पसीज जाना, इससे भी हमें ये इंडिकेशन माना गया है कि होने वाला बेबी बेबी बॉय है। तो गाइज, अगर आपने बेबी कंसीव किया है तो 6 मंथ के बाद बेबी का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, उसका वज़न हमारे पैरों पे आता है, तो इसकी वजह से भी हमारे पैरों में दर्द होने लगता है काफ़ी महिलाओं। लेकिन आप, एक लक्षण इससे भी दिख जाता है कि अगर आपका राइट पैर ज़्यादा भारी है और ज़्यादा हैवी लगता है वज़न होने के बाद भी, तो भी ये लक्षण बैठ जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके होने वाला बेबी बेबी बॉय है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक लक्षण और बताने जा रही हूँ, ये कुछ महिलाओं में काफ़ी हद तक सही बैठा है। अगर आपने पहले बेबी बेबी गर्ल कंसीव किया तो आप सेकंड बच्चे में ये अंदाज़ा सही से लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। जी हाँ फ्रेंड्स, पैर का सूजना। जी फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं के बेबी बॉय में पैर नहीं सूजते हैं, स्वेलिंग नहीं आती है, पैरों में हल्का फुल्का स्वेलिंग आती है, ज़्यादा नहीं आती है। और जब कल ये कंसीव करती हैं कुछ महिलाएं, तो उनके पैरों में स्वेलिंग काफ़ी आ जाती है। मेरे साथ भी यही सिम्टम सही बैठा था। जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव की थी तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बेबी बॉय में मेरे बिल्कुल सूजन नहीं थी। तो फ्रेंड्स,
हर महिलाओं के अंदर अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ये सही हो ये मैं दावा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, ये मैंने जो आपको लक्षण बताए हैं ये बेबी बॉय के हैं। आपके साथ ये लक्षण कितने मैच होते हैं, कितने सटीक बैठते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने ये लक्षण सही बैठे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।